हालांकि ये हूं इंज बाधी है एक ना बजा आ जो थोड़ा डोली निकलती ना थे कुड़ी बाण लगता ना उतना कुरान पाक सिरे थान छां की होंगी ना कोई अजा नहीं थी उन्हें आखदा बाधी है हूं इंज वाह इस घरों ना हूं तेरी डोली चली ते हूं तेरी लाश ही निकले तेरी मंजी निकले हूं इस घरों हूं साढ़े लोग कुछ वेख। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम की हाल है बरावां दा मिठिया हो ठीक हो मिठिया हो। अज की गल मुण बड़ी जरूरी है ते मुआशरे की एक इंतहाई ना इंसाफी और जुलम के खिलाफ मैं गल करन आया। मैं अगे इस बारे सोचा गल करनी लेकिन मेरे एक भाई दोस्त ने आसफ इमरान वड़ैच साहब मुराले तो उन्हें इस उत्ते गल की थी तो मैं आख्या बस जरूर ये बना वीडियो हला गल लेंज है भाई बा सब तो पहली गल तो बा इकनॉमिकल रीजन है ना बा मतलब दियाँ बहना ना सा पढ़ाना नहीं नौकरी नहीं करानी टेल जे मरदाना सोसाइटी है वो एक मतलब डिपेंड करती है दूजे उत्ते उस अपने कपड़ा थिगड़ी रोटी टुकर ये अवज उस ना खिदमत करनी मतलब असा हूँ बनने ना औरत नूं असा मजबूर किते आ माओ प्यो दे घर रवे तां जे अगा वीक जिते जाना साईं मुंह ते लित्तर पे मारन कुत्ते जितनी बेइज्जती पाए ओहदी करन ओह सो तो सी नहीं करनी वजह वजह बागले उन रोटी देनी है उन उत्थे रहने वास्ते घर देना है उन कपड़ा जुत्ती देना तो अपनी मर्जी चलानी। चलो इंसाना दा मुख्तलिफ होना ज़ेहन मुख्तलिफ होना किसी का कमला कोई सियाणा कोई कौड़ी आला कोई मिठा मुख्तलिफ नोइयत दे चलो असी जो फैसला करते हैं अपनी दिओ बहनों की जिम्मेदारी आप लेने विवाह छड़ते हैं पहलो तो यह बाद वास्ते छोर भी असा चुनना है मर्जी भी साड़ी किवें दा घर होवे किवें दे बंदे हुण सारी असा मर्दां डिसाइड करनी ते जे मुण ओह गरीब की बालनी उत्थे टुर जावे ते जितना पाए औखा करन जितना मतलब हुण वेखो महीने डेढ़ बाद ही हुण पता लग गया भाई तो बंदे का पुत्र ही नहीं ना इहदा बिहेवियर सही ना इहदा मूड सही बाहर भी मूँह मार रहा किसी खाते का नहीं याला हूँ उस गरीबनी ऑप्शन ही कोई मतलब हकीकत वेखी जाए मजहब के मुताबिक तो जी सा बहन है या सा धी है जदाद में वारस है प्यू की बोए में ना है वह हिस्सा अस की करने कट्टी दे छड़ एक वछी दे छड़ तो मझ दे छड़ीए तो नानक वाली दे छड़ीए तो साढ़े मतलब फर्ज पूरे हो गए तो असं उस आखने हूँ सोनीए जी भावें मर हूँ उत्थे रहने उदो ओदी पेके कोई थां नहीं भरा भी आते रहते हैं उधर माँ प्यो भी आते रहते हैं वह अगले जड़े ने कुत्ते दे प्याले च उसनों लकांदे किधे जावे क्यों मतलब उस कोई ठेका चुके है वा उसी रगड़ीना तू उसी इस मजबूरी में कंप्रोमाइज करने तो सारा कुछ कुछ खुदा का खौफ कर लो कुछ अजा कर लो मरना है जिंदगी का कोई पता नहीं कोई नहीं भैन बहालियाँ हो जाएँ अल्लाह माफ करे अल्लाह सारियां दियाँ बहना वसावे मैं इस हक चु हाँ दी बहन शाला कदी किसी की बूहे ते ना आके बवे पर जे इंज का मसला हो जाए जे आ जाए तो कोई डर नहीं हूँ बरा हाँ वह हिस्सा है हूँ घर बना दौ बच्चिया पालो वे वारस बनो इंज ना करो बा नारे छाल मार जाए तो किसी डली ने मूँह कर जाए औरतों ना इंसाफी बंद करो मैंने इस शही तो कोई डर नहीं बा को पाडा बाल है मेरे खिलाफ गल्ला करो मेरे गाली कड्ढो जो ना मैं किसी तो कोई अल्लाह का माफी देवे डरदा ना मैं किसी का रौला है कोई गल मैं करदा रहना किसी ने चंगी लगे या मंदी लगे तो ये जड़िया ना इंसाफिया ने मैं मैनशन करदा रहना बहनों के वारस हाँ असं उन्होंने सिरे ते हाथ धरिया करो तो शादी शुदा में आखसा करसा दुनिया मकाफाते अमल दूजे की धी बहन तंग की या करनी तो रब दुआडी कर सी तो तुम इस दुनिया से ही वेख ली सो तो आखिर चो भी सोना दुआ तो पूछ ली सी ते करो वा बहना मावान ना थोड़ी इजाजत दियो थोड़ा हाथ खुला करो आख लेना बड़ा सौखा नहीं रो खैरे हुणे ठीक हो जासी पर जेड़ा उस विचो पिया लगदा हुंदा ना उस पंजाली जेड़ा जुपिया हुंदा पता उस नूंदा एडा सौखी गेम नहीं इत्थे डकसा अकसा हसदे रहो वसदे रहो ते उचिया टाणा च रहो अल्लाह तो डर के रहो इंसाफ करके रहो रब